सर ये छोटा ये आई का आ रहा है ना, क्या करना है? अच्छा तो थोड़े से काम हो जाएगा, बताइए जरा। और बस नीचे अभी ठीक है, ठीक है सर। आप मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूंगा, अब एक बार इनको चेंज कर, आपको जो भी करना है एक बार चेंज करके देखो ना। ये स्लाइड राइट चेंज करके देखो, सामने इधर का घूम करके देखो, इधर घूमते रहो ना, फोकस ऊपर थोड़ी थोड़ा बीच में आए। ये आप मेरी तरफ कर दीजिए, मुझे इधर क्या चीज़ 0.00 अभी ठीक है, ऐसे कर मेरे पीछे से चक्कर ही खत्म, अब पूरा आ रहा है तो कुछ ये ऐसे लगेगा, ऐसा साइन कर लैपटॉप का आया है, इसको रहने दो सर, ये नहीं आया, रहने दीजिए कोई गलती चीपी क्या रिश्ते में लेता था नहीं नहीं इससे पेन आ गया, बस पेन से काम हो गया ना, और क्या पता, देख लो एक बार। ऑन कर दीजिए रिकॉर्डिंग, मैंने प्ले किया है, सही है सर, बहुत अच्छे से ऐसे ही अगर क्लासेस होने लगे हम लोग दोबारा बता।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट में आप लिख के बता दीजिए, डू यू एबल टू सी माय वॉइस पिक्चर एंड आल्सो हियर माय वॉइस? ठीक है ना, मैंने लाइक म्यूट कर रखा है आप लोगों को. ओके, तो आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, लाइक ये सेशन थोड़ा सा अलग रहेगा हम लोग के, लाइक अभी तक के सेशन से और एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद भी अगर टाइम निकल गया लाइक इट इज गुड टू सी. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज की तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि मोटिवेशनल सेशन हम यूट्यूब पे इधर उधर हजार जगह देखते हैं, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो YouTube पे डालेंगे तो मतलब होता है ना कि हाँ, मतलब बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, काफी लोग इधर उधर की बात बोलेंगे, तो वो चीज मैं नहीं करता था, इसीलिए मतलब हम लोग ने ये सब यहाँ पे रखा, मैं YouTube पे भी डाल सकता था इसे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज ध्यान से सुनना और थोड़ा रिसिप्टिव बन के सुनना, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आंसर सजेस्ट करने का पूरा मौका मिलेगा. ठीक है ना, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का कि इफेक्टिव स्टडी थ्रू माइंड कंट्रोल. हम लोग जो बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज को कंट्रोल करने की जो कि लाइक हमें पता है कि हमें बचपन से अभी तक हमने जितनी भी चीजें अचीव करी हैं वो हमारे माइंड कंट्रोल की वजह से पॉजिटिव अगर हुई है तो हुई है, और माइंड कंट्रोल अनकंट्रोल होने की वजह से या नहीं कंट्रोल था उसकी वजह से हमारे जीवन में सारी चीजें निगेटिव हुई. तो उन्हीं के बारे में हम लोग कहेंगे, बात करेंगे डिटेल में, और एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी. नहीं समझ आएंगी कुछ चीजें तो आप फिर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो. ठीक है, तो काफी लोग अपने ही देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी है हम लोग लास्ट में डिस्कस कराएंगे अगर कोई भी डाउट होंगे किसी को. ठीक है, नंबर आई पॉइंट की इस सेशन से कुछ लेके जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये भी एक सेशन हो गया या ये भी एक वीडियो हो गया जो आप देख के चले गए, या ये जूम मीटिंग हो गई जो आप देख के चले गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो इस सेशन से हम कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल लर्निंग्स लेके जाते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जो लास्ट में मैंने लिखे हुए हैं, जो आप स्टेप डेली अगर फॉलो करते हो रिचुअल वे में तो हमारी जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी लेवल जो है कई गुना तक बढ़ सकता है. और ये वो चीजें हैं जो पिछले 10 महीने में मैंने खुद ने फॉलो की है, मेरे को 10 महीने हुए हैं इन सब चीजों को देखे हुए, या इन सब चीजों को देखा हुआ तो नहीं बोल सकते, माने हुए. ठीक है ना, क्योंकि देखना है मानना बोला डिफरेंट थी, मतलब वही बात है ना कि जानते बहुत सारी चीजें दुनिया में मानते हैं कि हाँ हमें पता है पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, पर फिर भी मानते नहीं पढ़ाई कर नहीं करते, तो वही सारी चीजें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें पता होता है कि यार ये चीजें ऐसी चीजें हैं, बट वी डोंट लाइक थिंक कि ये चीजें हमारे साथ हो सकती है. तो वही है, तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले. तो जो हम लोग का मेरा टॉपिक है इफेक्टिव स्टडी थ्रू माइंड कंट्रोल, हम लोग पहले बेसिक पे आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है हम लोग जो रूट कॉज है इस चीज का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आया कहाँ से ये सारी चीजें और हमारा माइंड कंट्रोल हम कर कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन है ना. भगवत गीता में एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है भगवत गीता का, जो स्टार्ट की भगवान ने वो सही कि जो मेरा मन है वो मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुका है, मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरा धनुष जो है मतलब गिरने वाला है, मेरे हाथ पैर कांप चुके हैं पूरी तरीके से. तो वहां से स्टार्ट होता है कि दैट हिज माइंड वाज अनकंट्रोल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो जो पूरा अगले 17 चैप्टर है, जो आप बोल सकते हो मेरे ख्याल से 656 श्लोक के अराउंड लिखे हुए हैं, बाकी उसमें कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द चीजें 500 श्लोक है उसमें तो भगवान कृष्ण ने बोले हुए हैं, उसमें डेढ़ घंटे के अंदर 1.5 आवर्स के अंदर पूरे जो एक पूरी लर्निंग दी हुई है. तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन या एट द एंड ऑफ द लर्निंग जो अर्जुन को मिली थी उसके बाद उसने बोला था कि अब मेरी जो क्लैरिटी वो पूरी आ चुकी है और मेरा मोह दूर हो गया है, और ऐसे क्या कारण थे उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे वो अनकंट्रोल थे और वो हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे माइंड कंट्रोल सबसे ज्यादा स्थिति में कौन सी स्थिति में रहता है, मतलब हम प्रेजेंट में सबसे ज्यादा कब रहते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो बेसिक वही होता है कि सबसे ज्यादा खुश होते हैं. ठीक है ना, तो हम सबसे ज्यादा प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो क्योंकि हम अपना प्रोडक्टिविटी भी अगर देखेंगे तो हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं और खुश होकर काम कर रहे होते हैं, हमें करना होता है तब हमारा प्रोडक्टिविटी होता है, वो आउटपुट मैक्सिमम आ रहा होता है. तो अगर हैप्पीनेस की बात करें, लोगों को लगता है कि हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं या ऑनलाइन जो चीज कॉमन है आज के जमाने में कि लोग पूछते हैं कि लाइक हम बड़े होते हैं कुछ और खरीद लेंगे कुछ और खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे.
मछली का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अगर मछली है क्योंकि हर एक इंसान की दुनिया में जरूरतें अलग अलग होती है, तो हमने एक मछली का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर इस मछली को हम रोज मतलब बाहर निकाल के खूब बढ़िया उसको मतलब मैगजीन दे रहे हैं और उसे पैसे दे रहे हैं खूब से मदद करने के लिए सारे ऐसा आराम दे रहे हैं, तो वो हैप्पी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नेचर वो नहीं है, या बेसिक नेचर हम उसको बोलते हैं वो नहीं है जो उसे दिया जा रहा है, जो उसे चीजें दी जा रही है, दैट इज नॉट हिज बेसिक नेचर, जिससे वो सेटिस्फाई हो तो खुश नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली लाइक वो जो है कुछ ना कुछ समय बाद डाई होगी, ठीक है ना। और आप सभी को आपकी बात से तो सहमत होंगे कि पिछले 400 सालों में जब से आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया होगा तब से हम बात करते हैं, हमने वो बेसिक टॉपिक टॉपिक नाम में कोरोनरी डिजीज पहले स्टार्ट किया, तब से आप अगर देखोगे पिछले 60-70 इयर्स में मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पर कैपिटल जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, लोग काफी है जो अमीर बन रहे हैं, बिलियनियर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इलॉन मस्क कभी आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज में, he was the person who like 20 years ke age mein he came to US for the very first time and without having a single penny in his pocket, uske paas 1 rupaye nahi tha, and today is the richest person of the world, jo kal hi bana hai wo aap dekh rahe hoge, theek hai na, aur usne uske baad tweet bhi kiya jab kisi aur ne usko tag kar liya ki like congratulations you became the richest person, to usne tweet kiya like finally I'm going back to work, theek hai na, and this is the day, to bahut important hai ki successful log hai, अगर हम लोग देखें तो लाइक देयर इज नो कंपटीशन नंबर 1 नंबर 2 इन सब का कोई मतलब नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हमें जरूर फैसिनेट करता है कि वो बंदा नंबर 1 है नंबर 2 है नंबर 3 है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कब प्रीएमिनेंस देती ही नहीं देती, अगर उसके हम लोग बात करें तो यहां पे देखोगे आप पिछले 60 सालों में मॉडर्नाइजेशन जो है लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ कुछ केसेस हम की संख्या बढ़ी है, वो केसेस जो है इस प्रकार के ऑडियंस बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सेवन भी हो गए, बढ़ रही है सारी चीजें ना, तो मेंटल स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 2021 में जैसे हम लोगों के जीने में देयर वाज नो मच सक्सेस फॉर डिप्रेशन, आज ये इट इज वेरी कॉमन कि छोटे बच्चे और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मेंटल स्ट्रेस आज के टाइम में बढ़ रहा है, जैसे मेरे चाचा हैं उन्हीं एक लाइक वो कुछ पिल्स वगैरह लेते हैं मेंटल स्ट्रेस के, तो आज की चीजें कॉमन है, पहले नहीं थी, तो ऐसे क्या रीजन हो गए आज के जमाने में कि ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं, करेक्ट, और रेप वगैरह ये सब चीजें कॉमन है, जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं बायोस हो गया ये सब बढ़ी है, रेगुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा क्या है, सब चीजों को अराइज होने का, जैसा वायरल देख सकते हो पिक्चर्स में कुछ पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, वॉर हो गया ना, और ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। मैंने यूएस के एग्जांपल लिए, कुछ साउथ अफ्रीका के एग्जांपल लेने में छोटी लाइक गुना मल्टीप्लाई के एग्जांपल्स हो, तो ये क्या एग्जांपल पे कई गुना मल्टीप्लिकेशन होगा आपको पता है, ठीक है ना, तो आप इतना ही देखो जितना है आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा लगे कि थोड़ी पॉजिटिव की बच्ची बात कर रही, तो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस, ठीक है ना, जो रेप के होते हैं इतने सारे हैं भारत आपको बता रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोप यूनियन जो है 7.4 मिलियन है, और जो सीरियस थे बंदे वो 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब डिस्चार्ज हो, पर इंडिया में पता नहीं चल रहे हो, ठीक है। आपके पंजाब चले जो लास्ट ईयर मैं 2-3 महीने के लिए लाइक आई वाज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ उड़ता पंजाब मूवी आपने अगर देखी हो या सुनी, मैंने देखी नहीं, मैंने सुना मूवी के बाद, ठीक है ना, तो उस मूवी में कई सारी चीजें दिखाई गई होंगी कि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं बुरी तरीके से। तो अगर हम इनकी बात करें और डाइवोर्स केसेस की बात करें, इंडिया में डाइवोर्स केसेस कम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंट्री उधर थोड़ा ज्यादा है, पूरी विधि विधान स्थापित है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो क्यों रही है, मतलब पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, देन आफ्टर अपने आप को लटका लिया और मर गया ना, मतलब 4-5 दिन की छुट्टी हुई, बट लाइक ही वाज वन ऑफ एक मेरा अच्छे फ्रेंड का फ्रेंड था वो, तो कई सारी चीजें हम लोग को देखती थी क्या चीजें हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल आफ्टर अचीविंग सो मच सक्सेस, जबकि जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ like, जो उसके फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे दिल्ली की बहुत बड़ी, करेक्ट, और वो बंदा एक लौटा था अपने माँ बाप का, उस बंदे ने अपने आप को मार लिया, करेक्ट, और क्यों मार दिया अगर आप लोग मोटी मोटी बात समझोगे, सिर्फ एक स्टेज क्योंकि उसने एक लड़की को प्रपोज किया कॉलेज में, वो लड़की बहुत अच्छी थी ना फिजिकली, तो ऑब्वियसली उसने मना कर दिया और ही गिव अप, उन्होंने मेरी जिंदगी खराब हो गई, लड़की मिली मेरे को, तो लाइक
मेरा मानना ये है कि वो सुसाइड उसी वजह से होते हैं। अगर आप कोटा का भी एग्जांपल दे दोगे तो ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे नेक्स्ट कि व्हाई देयर इज सो मच क्रॉस एंड कन्फ्यूजन सोसाइटी। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं कि एक रूम है, देयर आर लाइक इन दैट पर्टिकुलर रूम हमारे पास 10-12 कुत्ते बैठे हैं, तो उस रूम में क्या होगा बताइए? उस रूम में कभी शांति का एहसास होगा? क्यों नहीं एहसास होगा? बिकॉज कुत्तों का ग्रेट नेचर है भौंकना, करेक्ट। उनके पास इंटेलिजेंस का लेवल है, बोला जाता है कि जानवरों और इंसानों में बेसिक अंदर ये होता है कि उनके जानवरों का जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो डाउन होता है इंसानों के कंपैरिजन में, करेक्ट। उनको नहीं पता नहीं पता लगेगा कि हाउ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी शुड बिहेव, तो विल बी आल्सो हैविंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इसी तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे, करेक्ट। अब इसमें वो मत सोचने लगना कि सर हम क्लास में शोर मचाते हैं तो हमने आप बोल रहे हो क्या भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है ना। ये ध्यान ही हो गया इस चैप्टर का नाम, तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, एक वो बंदा जिसने अपने माइंड को, जिसने अपने जो मन है, मन इज अ सोल, तो मन को अगर जीत लिया है तो वो बंदा उस बंदे का दिमाग है उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जो नहीं जीत पाया उसका बेस्ट एनिमी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम अगर हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारी आदतों के कारण अगर होती है, करेक्ट। तो हम कई सारी सिचुएशन अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, उसमें गुड एंड बैड, गुड एंड बैड में चॉइस करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। गुड एंड गुड में चॉइस करना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि दोनों चीज सही है, बट एट पर्टिकुलर टाइम क्या चीज आपके लिए सही है वो चूज कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चूज हमारे इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने से, हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाने से ही हमें वो डिफरेंस क्रिएट होगा कि हम कैसे गुड और बेटर एंड गुड और गुड में चूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा है, आपने लिखा हुआ है पॉइंट कि हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स, या हम लोग स्पिरिचुअल जितने भी आध्यात्मिक सॉल्यूशन है अपने मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्या हम उनमें लगा सकते हैं आध्यात्मिक सॉल्यूशन, तो वो क्या है अगर उनके बात करें डिटेल में। नंबर फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है ना, कि हु एम आई, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं जैसे कि है क्या और हम लोग है क्या, जैसे मैंने आपको डॉग वाला बताया एग्जांपल कॉलेज से बेसिक में उसका वही था। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इन्होंने शुरू में हम लोगों के जो शरीर के ऊपर जो शरीर के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो जिन चीजों से मिला हुआ है उनके ऊपर एक शोध किया इन्होंने, यानी फाउंड आउट कि हमारा जो शरीर है वो इन पांच चीजों से केमिकल जो है उतने मिलकर बना है, ठीक केमिकल से। अब यहाँ पे केमिकल के नाम लिखे हुए अनदर सब्सटेंस, तो इसका वैल्यूएशन लगाया गया कितना हम लोग अपने बारे में बात करेंगे ये सब चीजें हमारे काम की यहाँ से शुरू होती है, ये हम लोग का 2.13 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। भगवत गीता में बोलना कि जो हमारा वो है शरीर, ये लाइक वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, और इट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक बर्थ आफ्टर बर्थ, और हम लोग बड़े होते धीरे धीरे वो चेंज होता रहता है, करता है। जैसे उसमें बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमारा जो शरीर है, ठीक है ना, वो इसी तरीके से बदलता है जैसे हम जो कपड़े हैं पुराने कपड़े चेंज कर लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से जो शरीर है उसमें जो आत्मा होती वो एक नया पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में जाती है, करेक्ट। तो उसी का एक पूरा कॉम्प्लिकेशन दिखाया गया है, तो इसका बहुत अच्छा श्लोक है, सुना होगा कई बार, कौन सा चीज जुड़ा है, नवानी ग्रहानी नरो परानी तथा शरीरानी जीवनाय जीवनाय
तो मेन जो मोटिवेशन होता है वो क्या है कि जो हमारी जो वो है सो वो पुराने शरीर को त्याग करके या व्यर्थ के शरीर को त्याग करके, मैं मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है उसको हम लोग देखें, जो हमारी अपर बॉडी होती है वो भी इन चीजों में मेजर बनी होती है, और सोल और हमारी मेन बॉडी के बीच में हमारा माइंड होता है, करेक्ट। और हमारा माइंड जो है वो हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो जो हमें डिसीजन होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर वो डिसीजन लेता है। इंटेलिजेंस मतलब कितना बड़ा हमारा लेवल होगा कि हमें पता है कि चीज सही गुड और गुड बैड और बैड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सोल है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, सच्चाई यही है। बट विदाउट सोल वी कांट मूव, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे बिना गाड़ी के, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं मूव कर सकती, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना? ना तुम बोलोगे ड्राइवर लेस वाली गाड़ी, करेक्ट। तो ड्राइवर लेस गाड़ी में भी देखिए माइक्रो कंट्रोलर इन व्हिच दे फील द मैं आंसर दे रहा हूँ, तो माइक्रो कंट्रोलर फील होगा उसमें, आप जाके इस पढ़ोगे ट्रेनिंग वगैरह, जिसमें वो पहले से बीप कर देते हैं कि इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, जैसे इट्स लाइक रोबोट, करेक्ट। उसको पहले से पता होता है कि वो कि हाँ हमें इस सिचुएशन में ये आकर करना है, क्योंकि उसके अंदर कोडिंग की फीड कर दी गई है किस तरीके से। तो मेन मुद्दा क्या समझने का, वही उसी तरीके से हमारा इंटेलिजेंस जो ऑपरेट होता है वो डबल लाइन, तो सोल इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेती है, सोल देखती रहती है बैठ करके कि यार जो ये इंटेलिजेंस जो है वो हमारे हिसाब में देखा होगा सक्सेसफुल लोग और एक अनसक्सेसफुल लोग, उनमें सिर्फ चॉइसेस का डिफरेंस है, आपने कोड भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे कि चॉइसेस जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है। तो वो चॉइसेस हम कैसे लेते हैं, अगर मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट हाउ वी टेक चॉइसेस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ आवर इंटेलिजेंस, कि एक जो बंदा जो एक अच्छे एग्जाम में सिलेक्ट रहता है नहीं सिलेक्ट हो पाता, तो सिंपल अंतर होता है कि पढ़ाई उसने भी करी होती है, हो सकता है कोचिंग उसने भी ज्वाइन करी हो, पढ़ाई उसने भी करी हो, बट वो उस सिचुएशन जैसे उसका माइंड मन कर रहा है लैपटॉप चलाने का तो वो लैपटॉप चलाने लगा, उसका मन कर रहा है मूवी देखने का वो मूवी देखने लगा, पर इस बंदे का भी मन कर रहा था, इस बंदे का भी मन कर रहा था सोने का, इस बंदे का भी मन कर रहा था लैपटॉप चलाने का, बट एट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ टाइम उसकी जो इंटेलिजेंस है उसने उसको डिनाई किया कि भाई ये काम तेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू वो तेरे को करना चाहिए, करेक्ट। तो वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल दिया हुआ है कार और इसी तरीके से हमारी बॉडी मूव भी कर सकती है, तो वो सोल के थ्रू मूव होती है, करेक्ट। और यहाँ पे कौन सा दिखाया है, जैकेट ऑफ बॉडी, कि हम अपने लाइफ में जो डिसीजन होते हैं उनको होता है ना कि कई बार हमें पता होता है कि लाइक वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग, या हमें पता है कि कल एग्जाम में हमें पढ़ लेना चाहिए फिर भी हम नहीं पढ़ रहे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा मन कर रहा है कुछ और करने का, करेक्ट। अब हमारा मन करता क्या है वो डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि ये जो हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे ये भाई सेंसेस है, पांच सेंसेस हमारे तो करेगी माइंड जो इन घोड़ों को कंट्रोल करता है, इन घोड़ों को मतलब पांच मनी सेंसर से थ्रू दिखाया गया कि हमारा कुछ मन कर रहा है देखने का, लाइक वी सी टू आवर आई, और कुछ मन कर रहा है कुछ लाइक स्मेल का या अलग अलग चीजें होगी, तो पांच सेंसर से थ्रू कंट्रोल होती है, ये माइंड हमारा कंट्रोल करता है कि एट पर्टिकुलर टाइम हम क्या कर रहे हैं, और माइंड तो गवर्न होता है हमारी इंटेलिजेंस से गवर्न होता है, करेक्ट। कि हमारे डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा बढ़ पाया है उसके ऊपर भी डिसाइड की उस तरह कौन सा सेंस को हम छोड़े और कौन सी रस्सी खाली छोड़ेंगे, तो वो बड़ा हमारा आगे बढ़ गया एक तरीके से, करेक्ट। और जेडी सोल वो कुछ नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट बैठ के देखती रहती है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें तुम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्यूरिफाई एंड कंट्रोल द सेंसेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि सर मेरा मन करता है मूवी देखने का, मैं मूवी देखने लगता हूँ, मेरा मन करता है मस्ती करने का, मैं मस्ती करने लगता हूँ, मेरा मन करता है चैट करने का किसी से, मैं चैट करने लगता हूँ, तो अब इस चीज को हम कैसे प्यूरिफाई करें या इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, बेसिक भाषा में बोला जाए करेक्ट। तो इसमें तो मेन चीज तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है जो पॉइंट फाइव लाइक आई सोन, दैट इज फर्स्ट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि हाउ एंड लाइक विद हुम यू एसोसिएट योरसेल्फ डेली, आप किन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो, एसोसिएट मतलब हम जिनके साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, करेक्ट। और एसोसिएशन आप टीचर से रिलेशन को लाइक काइंड ऑफ टीचर लाइक जो आपको टीच कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके ही विचारों से अपने दोस्तों के विचारों से मैक्सिमम टाइम घिरे होते हैं, बोला जाता है यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यू लिव विद, आप उन पांच लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप रह रहे हो, करेक्ट। तो हम जिनके साथ रह रहे होंगे हमारे विचार और हमारा व्यवहार और हमारा रिजल्ट अक्सर उन्हीं लोगों की तरह होता है जो बाकी पांच लोगों को, जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल
क्या आप भी देख सकते हो, अगर आप पांच पढ़ने वाले लड़कों के साथ रह रहे हो तो आपका मन करेगा पढ़ने का भाई भी पॉइंट। अगर आप पांच ऐसे लड़कों के साथ रह रहे हो, लड़कियों के साथ रह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा मन भाई भी पॉइंट उन्हीं की तरह जो वो टेंडेंसी फॉलो कर रहे हो पांच लोग, वही हमारा मन फॉलो करेगा करने के लिए। तो एसोसिएशन इन विच आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ अगर बात करेंगे एसोसिएशन की, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो आप कुछ लोग ऑनलाइन पढ़े हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़े हैं, तो अब एसोसिएशन चूज करना हमारे हाथ में, करेक्ट। अब किसी का बाई डिफॉल्ट चूज हो गया कि किसी के दोस्त बन गए, अभी नो यार ये वो लोग नहीं है जिनके जो मेरे लक्ष्य जो मैं पाना चाहता हूँ उस तरफ ये लोग भाग रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कंपनी चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, उन लोगों की कंपनी में आना चाहिए या ज्यादा टाइम उन लोगों को देना चाहिए जो सेम गोल पे हो, क्योंकि दे विल मोटिवेट अस, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग यार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24/7 हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आप इंटेलिजेंस का लेवल कितना भी बढ़ा लोगे ना, फिर भी देयर वर लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी या आलस या लेजीनेस आप बोल सकते हो जो हमारे ऊपर बार बार बीच बीच में कभी ना कभी हावी हो सकता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, उस समय आप किस चीज का फायदा उठा सकते हो कि यू आर एसोसिएटेड अच्छे लोग जो आपके गोल की तरफ फाइट कर रहे हैं या गोल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो बढ़ जाए। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप जो हमारे एकदम डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी हो जाए, पर अगर हम लोग अच्छी बुक्स पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो बुक पढ़ते हैं होता क्या है कि हम उस पर्टिकुलर ऑथर के मन में प्रवेश कर चुके होंगे, उसने अपने पूरी जीवन की जो नॉलेज होती है ना वो कहीं ना कहीं उस बुक में समा करके रख चुकी होती है। तो उस बुक में जो आप पढ़ोगे गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक, जब भी आप पढ़ोगे एग्जाम के बाद आप लोग जब एग्जाम देंगे तब भी पढ़ो, बट मेन मुद्दा ये समझने की है कि आप उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाओगे और उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सीखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो तजुर्बा जो उस बंदे ने कई साल जी करके सीखा है वो तजुर्बा एक अच्छे कम टाइम में मिल जाएगा, करेक्ट। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स के थ्रू हमारी पावर की बहुत ज्यादा रहती है। बुक्स आर द सोर्स ऑफ टेंजिबल नॉलेज जिसको हो सकता है, ऑनलाइन आप कितना पढ़ो पर बुक से पढ़ने में टाइम कम लगेगा और उससे एग्रेसिव की पावर भी बढ़ जाती है, करेक्ट। सी इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इज चैटिंग, ठीक है ना, जो चैटिंग मतलब इट्स नॉट चैटिंग जो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, ठीक है ना। चैटिंग मतलब यहाँ पे मंत्र मैंने किसी लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप मंत्र मैंने किसी का मतलब आप ये ले सकते हो, जैसे हम लोग अपने लाइफ में प्रेयर करते हैं, हर एक हम लोग रिलीजन में कोई ना कोई प्रेयर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, अभी तो ऐसा होता है कि लाइक हम लोग के मम्मी पापा की ज्यादा कोई नहीं बोलते हम लोग को मंदिर वगैरह जाने के लिए, बट दे लाइक जब हम लोग मंदिर जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमें ही पता है कि हाँ मंदिर जाना अच्छा होता है या कोई कोई भी रिचुअल फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना ना कि पॉजिटिव एक इंकरेजमेंट देता है कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं लाइफ में चलो हमारे ऊपर देर इज सम बैकिंग। जैसे तो बहुत अच्छा एक मैंने कहानी पढ़ी कॉलेज में जो हम मैं रिलेट कर पाया, लाइक मेरे सीनियर ने हम लोग यहाँ पे गए थे जो एक कंपनी को रन कर रहा था, उन्होंने कहानी बोली थी यार जब तक मैं अपने फायदे के लिए फाइट कर रहा था जीवन में उनकी कंपनी की, तो मैंने 10 साल तक मेहनत करी कुछ नहीं हो पाया, मतलब लाइक यू वाज रनिंग लाइक वेरी अप एंड डाउन और कुछ नहीं हुआ, और बाद में उनकी कंपनी बहुत तेजी से 1-2 साल हो गया था मैनेजमेंट उसका बहुत बड़ा हो गया, तो उनको लाइक वन द अचीवमेंट अवार्ड होता है ना, हर एक कॉलेज को हर एक साल अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बाद मिलता है IIT, तो उनको अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो वो अचीवमेंट अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहानी सुनी कि यार जब तक मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए फाइट कर रहा था तो मैं वो लेवल अचीव नहीं कर पाया, वो चीज अचीव नहीं कर पाया जो मैं जब मैंने एक बड़े मोटिव के लिए तो काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या उन्होंने कहानी बताई, उन्होंने क्या बोला, एक लड़का होता है वो रोज अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने जाता है, करेक्ट, और ही वाज वेरी लाइक एवरेज काइंड ऑफ फुटबॉलर जो हर बार जाता है फेल होके चौड़ा होके चला आता है, मतलब वो नहीं जीत पाता, करेक्ट, पर ही वाज लाइक हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो लाइक होता है कई सारे लोग अब उनको पता है दे आर एवरेज, उनके टीचर ही बोल रहे दे आर एवरेज बट दे आर हैप्पी विद दैट, मतलब उनको लगता है हमारा लेवल यही है, करेक्ट। हुआ क्या, जब कुछ समय बाद मैच खेलता रहा फिर एक दिन मैच खेलने के लिए आया, उस दिन उस बंदे ने अपने फुटबॉल में इतना जबरदस्त खेला कि वो सारे मैच जीत गया, करेक्ट। मैच जीतने के बाद सारे लोग बिल्कुल अमेज हो जाएंगे, अब जैसे मान लो क्लास का कोई बंदा है बिल्कुल टॉप जीरो में रहता है नीचे से पहला आता है और वो बंदा रातों रात अगले दिन फर्स्ट आ जाए तो सब लोग अमेज हो जाएंगे कि नहीं, पूछेंगे कि आपसे आपकी सफलता का राज क्या है, बोलते हैं उसी तरीके से, तो आपसे आपकी सफलता का राज क्या पूछेंगे, तो मैं उसने क्या बोला कि यार मेरे साथ हर बार मेरे पापा आते थे देखो फुटबॉल मैच देखने के लिए, और ठीक है ना आज जो पापा है मेरे नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइक 2 दिन पहले लाइक वी डाइड इन एक्सीडेंट तो वो आज नहीं है, तो आज मुझे ऐसा लगता है लाइक ही इज अ लाइक ही काइंड ऑफ पर्सन क्योंकि आज मेरे को आसमान से देख रहे होंगे,
ठीक है ना, या कहीं से भी बैठ के देख रहे होंगे। तो नाउ आज तो मैंने खेला बेस्ट, वो मैंने अपने पापा को खुश करने के लिए खेला, या उनकी आत्मा को शांति देने के लिए खेला। करेक्ट। तो मेन मतलब एक सवाल है कि व्हेन वी एसोसिएट अवरसेल्फ विद ए डिवाइन पर्सनालिटी, या कोई भी जो आप मान लगता हो कि हाँ ये एक डिवाइन पर्सनालिटी है जिनको खुश करने के लिए मैं काम कर सकता हूँ। जैसे भगवद गीता का पूरा अगर एसेंस उठा करके देखो, इट इज नॉट दैट कि आप सन्यासी बन जाओगे भगवद गीता पढ़ने से, और इट इज नॉट दैट कि आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको बहुत सारे बिजनेसमैन के नाम गिना सकता हूँ, देयर वर्थ राइट नाउ इज इन बिलियंस, ठीक है ना, बट दे रीड भगवद गीता, जबकि वो सन्यासी बनने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो व्हाट दे गेट आउट ऑफ भगवद गीता, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन लेते हैं, क्योंकि आप भगवद गीता का पूरा एसेंस देखोगे ना, वो बंदा जो था अर्जुन, वो गृहस्थ था, उसकी शादी हो चुकी थी, ठीक है ना, वो कोई ऐसा बंदा नहीं था कि सन्यासी था उसको ज्ञान दे रहे हो, ठीक है ना। और ज्ञान कहीं होटल में बैठा, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हॉल में, हॉल में इतने आराम से मतलब सीट वगैरह पे बैठ के नहीं दिया गया था, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी उसी स्थान पर बैठ के ज्ञान उसे दिया था। करेक्ट, मतलब रियल में जहाँ पे वॉर चल, तो मेन मुद्दा यही समझ में आएगा, तो वॉर जो उसके थ्रू मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सबको दिया, पूरी ह्यूमैनिटी को, रास्ते 5000 साल। करेक्ट। तो मेन मुद्दा यही समझ देगा कि अगर लाइक उसमें यही है भगवद गीता कैसे कि आप कोई भी काम करो, बट अगर वो आप काम कर रहे हो लाइक मुझे सेंटर में रख करके, जो उसमें बोला है भगवान है कि आप मुझे कुछ करने के लिए मुझे सेंटर में रख करके काम कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगा, पर आपको उस चीज का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। पॉजिटिव कर्मा नेगेटिव कर्मा की बात आती है, कि आप नेगेटिव कर्मा करोगे तो भी आपको भोगने पड़ेंगे, पॉजिटिव करोगे तो भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है कि हम जो लोग बोलते हैं ना बड़े लोग कि हम भगवान की दया से काम करते हैं, तो वो क्रेडिट किसी और को दे दो, वो भोगने नहीं पड़ेंगे। बस ये मेन मुद्दा रहता है उस पूरे दुख का जो उन्होंने बताया, तो ये मतलब कर सकते हैं हम लोग, ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं वी कैन डू, कोई भी प्रेयर वगैरह फॉलो कर सकते हैं हम लोग दिन में सुबह, उसको फॉलो करने भर से भी हमारी लाइफ में कई गुना पॉजिटिविटी बढ़ सकती हो, करेक्ट, और हम कई अच्छा कर पा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आइटम पर बात करें, नेक्स्ट है डाइट, एबीसीडी का, ठीक है ना, डी फॉर डाइट, डाइट मतलब व्हाट वी ईट, ठीक है ना, व्हाट वी ईट थ्रू आवर माइंड, व्हाट वी ईट थ्रू आवर आईज, अब तो मैं लग रहा हूँ यार ये क्या बोल रहे सर, ठीक है, तो मतलब शरीर को हस्त पुष्ट रखने के लिए तो आप पेट को खाना खिलाते हैं, हाथ पैर को लेकर पुष्ट करते हैं, हर एक पार्ट को अलग अलग खिलाने की जरूरत नहीं है, बट मेन मुद्दा क्या है, हाथ और ये मैं आईज बोला, बिकॉज व्हाट वी कंज्यूम इन टुडेज वर्ल्ड, वी हैव दैट डिवाइस कॉल्ड मोबाइल, तो उसमें हम लोग डिवाइस के थ्रू क्या कंज्यूम कर रहे हैं अवर डेली बेसिस पे, तो वो फीड कर, उसी को तो बोलते हैं न्यूज फीड, फेसबुक पे नाम आता है न्यूज फीड, फीड मतलब आप फीड करते हैं, लाइक पर्टिकुलर दैट थिंग इज फीडिंग यू आइदर, और आप उसे फीड करते, आप उसे खा रहे हो तरीके से, वो आपका खाना है, तो अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आउटपुट अच्छा है, अच्छा खाना खाओ नहीं खाओगे तो आपको बताओ आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है ना। तो डाइट हमें अच्छी रखनी चाहिए, खाना पीना जो हो गया अपने जनरल लाइफ का, ठीक है ना, सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना वो बोला जाता है जिसको जिसके थ्रू हमारी एनर्जी बढ़ती है, जो इंडियन परिवार में वी आर ऑलरेडी लकी कि वही खाना पहले से बनता है, बट हम क्या होते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें चाहिए पिज्जा, हमें चाहिए बर्गर, अरे हमें मम्मी से रोज नई नई चीजें बनवानी होती है, तो वही चीज या बाहर से खानी होती है, कई सारे लोग कहते हैं मैं छोटा था मुझे बहुत शौक था उस समय, ठीक है ना, कि मुझे हर चीज बाहर ही खानी है, करेक्ट। तो मेन मुद्दा ये समझ में आया कि वो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिप्रेशन कर रही है, आप देखते हो कि आप 5 घंटे पढ़ाई करके 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करके थक जाए, क्यों थक रहे हो, अगर हम लोग उसकी बात करें तो खाना रसन, और लास्ट है दैट इज एंगेजमेंट, हॉबी और एंगेजमेंट मतलब सर हम किस तरीके से आपको एंगेज कर रहे हैं और पूरे दिन कर क्या रहे हैं, किस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमारा काफी डिसाइड करता है कि व्हाट वी गेट एज द आउटपुट, करेक्ट। तो हमारी एंगेजमेंट हमें तगड़ी रखनी पड़ी, एंगेजमेंट तगड़ी रखने का मतलब क्या है, अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जो आप लोग सेम पोल में भाग रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी एंगेजमेंट तगड़ी है और हमारे भी लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल अपना दे रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप उसे रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज मैंने फेस करी है, और हम लोग जो भी नॉलेज अपने अपने लेवल पे बताते हैं ना, एज अ टीचर वी टेल थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस ओनली, इसलिए मैंने काफी चीजें आपको अपने लाइक भगवद गीता से रिलेट करके बताई, बिकॉज दैट इज नॉट अबाउट वी एक्सपीरियंस, वो पर इंटरनल चीज है, हम लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस अलग है, मेरा आईआईटी निकालने का तरीका अलग ना होगा, किसी और का अलग ना होगा, बट जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी दिस इज इंटरनल की ये है तो यही होगा, एक होता है रूल्स होते हैं और सिद्धांत होते हैं, रूल्स और सिद्धांत भी ये होता है कि ग्रेविटी है जैसे उसका सिद्धांत है, आप ऊपर से गिरोगे तो आप नीचे जाओगे, दिस इज सिद्धांत, और चाहे आप भी हो चाहे मैं भी चाहे कोई और पर्सन भी,
सब लोग नीचे ही जाएंगे, कोई ऊपर नहीं जाएंगे, करेक्ट। नीचे के बाद ऊपर जाएंगे पर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो मेन मुद्दा यही था मंत्री का है कि जो लॉज होते हैं और जो बाजार सिद्धांत होते हैं और जो रूल होते हैं अलग अलग होते हैं, कि किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब जो है वो भगवत गीता में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, अपूर्ण सेंसेस है हमारे अंदर, हमारे जो आईज है या वो भी सेंसेस है 2000 या हम बोल सकते हैं अधूरी है, वो बिल्कुल टेंजिबल नहीं है कि हम इटरनल चीज देख सकते हैं यहाँ से बैठ करके, करेक्ट। जैसे इसमें अर्जुन को भी जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था तो उन्होंने दिव्य आंखें दी थी, मतलब वो अलग से उनको आंखें देखनी पड़ती, मतलब नॉर्मल लोग नहीं देख पाते, देख पा रहा था पर्टिकुलर, तो वही उसी को बोला गया अपने इंद्रियों को। तो हम लोग जो अपने एक्सपीरियंस आपको लाइफ में सिखाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि लोगों से आप इंस्पिरेशन लो बट डोंट फॉलो द ट्रैक ऑफ पर्टिकुलर अदर पर्सन। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप फॉलो करोगे आपके सक्सेस के चांसेस हो सकता है एग्जिस्टर हो जाएंगे नहीं लोग, रीजन क्या है, क्योंकि जो चीजें उसके साथ फॉलो हुई उसके साथ हुई, कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो, करेक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखनी है। और मेरा मतलब आज इतने तक का मैंने एक टॉपिक को मैं देख सकता हूं कि इंटेलिजेंस से हम डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज रॉट राइट और व्हाट इज वेजिटेरियन और व्हाट इज बेटर और व्हाट इज बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। और राइट नाउ से आप अगर बात करोगे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की, मुझसे लोग जो आप ऑनलाइन देख रहे हो दे ऑल आर द स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट बैकग्राउंड के हो, दे ऑल आर रेडी फॉर देयर सर्टेन एग्जाम जो उन्हें निकालना है, ठीक है ना। उस एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चॉइसेस लेने की संभावना एक गुना बढ़ जाती है, करेक्ट। अभी आपको मन में आएगा कि हम ये कर ले वो कर ले वो कर ले, हो सकता है आप 2 दिन कर पाओ 3 दिन कर पाओ, ठीक है ना, बट आप बाद में उसे ज्यादा दिन तक कर सकते, करेक्ट। और कोई आपको वाला नहीं है ये। तो इसके बारे में बात करें कि जो हमारी सेंसेस है वो हमें गलत गलत काम कराने के लिए प्रेरणा देती है, ठीक है ना। उनको प्यूरीफाई करना बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टाइम लगता है इस चीज का, ठीक है ना। तो अभी हम राइट नाउ अगर 3-5 स्टेप जो मैंने बताया ABCD अगर उनको भी हम फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं तो भी हमारे काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल्ड वे में रहेंगी, क्योंकि अभी तो आप ओके हो तब भी 11वीं जो 12वीं मोस्टली लोग रहते 11वीं में, क्योंकि आप जितनी मेट्रो सिटीज देखोगे ना तो वहां पर क्या 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे बिगड़े रहते हैं, मानते हो ये बात, जैसे दिल्ली में तो कॉमन मान लिया कि 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे तो परेशान हैं, ठीक है ना। वहां पे आप अगर एक कोचिंग में मान लो 1000 बच्चे तो वहां पे 400 तो ऐसे ही है जो ऑलरेडी ड्रग्स में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो ऑलरेडी और उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो निकलने का प्रयास करें, करे जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो कभी नहीं बोलेंगे मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, वो यही बोलेंगे चीज से निकलना है, ठीक है ना। ये जो पैसेंजर होता है किसी चीज का वो कुछ समय तक रहता है, कुछ एज तक रहता है, बट वेन यू गेट द रियल एसेंस ये चीज सही है तो आपको कहीं ना कहीं पूरा फैसिनेशन दूर रखा है और कूल माइंड रखा है। कूल माइंड सबको पता है आज के अंदर धोनी को सब लोग लाइक करते हैं, तो उसका रीजन क्या लाइक करने का कि कूल बंदा है, ठीक है ना। तो कैप्टन को बोलते हैं तो सभी को कूल बंदा है, तो मेन मुद्दा यही है। तो कूल बंदा कैसा बनेंगे हमको अगर हमारा हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं, अब धोनी को देखते हो लाइक इसको लाइक काम शांत है, दूसरे कोई देखेगा तो बनेगा शांत है अगर एक इंसान बुद्धिमान है तो वो भी मैं ही हूँ, नवा ध्यान चालू हो जाए, ठीक है ना। लाइक जिसमें वो भगवान अपना अपीयरेंस बता रहे हैं, लाइक अपनी ग्लोरी खुद ही बता रहे हैं कि मैं ये हूँ ये हूँ, कभी होता है कभी किसी ऐसा लगता है तो अपनी अचीवमेंट बनाने लगते हैं कि हमने ये किया था, हम तो अपने हमने मम्मी पापा ही करते हैं कि तुम्हारे जमाने में तो तुम्हें पता नहीं है हमने क्या क्या उठा दिया था क्या क्या कर दिया था। तो लाइक अबाउट हिज ग्लोरी जो उनकी रही थी, तो ऐसे ही हमें ध्यान में वो चैप्टर है उसका नाम है ऐश्वर्य, लाइक भगवान का ऐश्वर्य। तो उसमें ये बताते हैं अपने बारे में कि अगर कोई इंसान बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि में हूँ, और कोई इंसान अगर भूल रहा है कोई चीज तो वो उसके भूलने की क्षमता भी मैं नहीं हूँ, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। तो अगर हम कहीं ना कहीं डिवाइन जो भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है ना, तो उनको अगर आप सेंटर पे बेस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ चुकी होगी। आप एक चीज को आप पढ़ रहे हो और कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि दे डू मेडिटेशन, वो बहुत सारी चीजें मेडिटेशन में चल रही है, हर एक कोई आप सक्सेसफुल इंसान देखोगे वो मेडिटेशन फॉलो करते हैं, इवन नंबर प्राइम मिनिस्टर लोग उन्होंने 5 मिनट तक
उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि योगा हेल्प्स हिम टू लाइक कंसंट्रेट मोर इन हिज वर्क, करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज से हम अपने लाइफ में सक्सेस इजीली अचीव कर सकते हैं ना। और इसके प्रैक्टिकल से अगर हम बात करें, मोर एफिशिएंट माने रिजल्ट हमारा जो रहेगा मोर एफिशिएंट या प्रोडक्टिविटी हमारी कई गुना तक बढ़ चुकी है। अब हम एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी राइट नाउ पढ़ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने चीजें आपको बोली पिछले एसोसिएशन हो गया, बुक रीडिंग हो गया, सब बुक रीडिंग कोई छोटी मोटी बुक पढ़ सकते हैं, और भगवद गीता अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो एसएमसी है, अलग हो गया फिर सबसे अलग, तो उसमें तो आपको बेस्ट चीज मिलेगी, क्यों, क्योंकि किसी ऑथर ने नहीं लिखी, करेक्ट। उसका कोई ऑथर नहीं था कि हाँ मतलब अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, वो मेन है, दैट इज अ मैनुअल ऑफ अवर लाइफ आप बोल सकते हो। मैंने डिवाइस ली, मेरे को मैनुअल मिला इसके साथ, करेक्ट। और मैनुअल मतलब हाउ इट ऑपरेट्स, अगर मुझे इसका मैक्सिमम वर्जन सीखना है ऑपरेट करना है तो वो कहाँ से मिलेगा, मुझे मैनुअल से। कोई इंसान सिखाएगा वो उतना ही सिखा पाएगा जितना उसे आता है, करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई बुक पढ़ सकते हो लाइक भगवद गीता वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वी ट्राई टू लर्न वन श्लोक और उसको हम थोड़ा बहुत अपने जीवन में पढ़े समझने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, जब वेन यू स्टार्ट योर डे ना तो हम कई बार अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे सुबह उठते हैं मम्मी हमारी चिल्ला के उठाती है कि भाई लेट हो रहा है, मुझे के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है ना, उठ जा उठ जा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया, आपको मुझे ये किया मैंने 10 मिनट पहले कुछ मान लेना 10 मिनट पहले, करेक्ट। मैं भी करता हूँ, अच्छा मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो मैंने बोलता है ये समझने का, तो हमें क्या होता है कि हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं निगेटिव फीलिंग के साथ, यार लेट हो गया, करेक्ट। मतलब ऐसा कोई खुशी तो होती नहीं उनके लेट हो गया आस पास खुश हो गए, क्योंकि पता है कोचिंग में आएंगे तो हमें टीचर भी डांटेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भी फील रिग्रेट फ्रॉम इनसाइड कि यार चलो कोई बात नहीं। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप जब पूरे दिन को स्टार्ट करोगे एक रिग्रेट के साथ, भले ही वो छोटा हो, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन रहेगी ही रहेगी। इसलिए द बेटर इज टू लाइक जहां भी आप यूएस में चीज बोली जाती है, यूएस में तो क्या है कि आपकी अगर मीटिंग 9 बजे की, तो जैसे प्रेसिडेंट की मीटिंग ले मान लो डोनाल्ड ट्रंप है या बराक ओबामा है, उनका बराक ओबामा जो है उनका पड़ाव कर रहे हैं, तो उनका कह रहा है कि 9 बजे अगर मीटिंग है तो ही लाइक कितने बजे आते थे, 8:45 पे पहुंच जाते, 15 मिनट पहले पहुंच जाते वो खुद, अब 8:45 पे वो पहुंच गए तो वो मेन बंदा है, तो जनता कितने बजे पहुंचेगी, ऑडियंस वो 8:30 पे पहुंच जाती है, करेक्ट। तो ये चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे याद है कि हम लोगों के कॉलेज में एक इंटरव्यू था, ठीक है ना, आई वाज फाइनल ईयर दैट पर्टिकुलर टाइम, तो उस समय मेरा एक दोस्त था वो लेट हो गया था थोड़ा सा इंटरव्यू में, सिर्फ इस वजह से ही उसको बाहर कर दिया, सिर्फ इस वजह से ना, उससे बात भी नहीं करी, मतलब उनको बोल दिया हमारा हो गया, उसको ये भी नहीं बोला कि मुझे पता नहीं कि आप लोग की आदतें ऐसी, पर उनको ये बता दिया गया था कि लाइक लेट तो हमने अपना सिलेक्शन कर लिया है, इन्हीं से जितने कैंडिडेट अभी तक आए, करेक्ट। तो उस दिन उसको एक सेकेंड या जितना मिनट वो लेट हुआ होगा उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि नाम महंगा पड़ गया, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप जो दिन में आप काम करते हो अगर उसको हमें एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो ये भी हमारी क्वालिटी होती है कि हमने जितना बड़ा जितना टाइम बोला है उसे कमिटमेंट दिया है करने के लिए, ठीक है ना। इतने टाइम आप करेंगे या उतने दिन तक होमवर्क बोला है करने के लिए तो एटलीस्ट वी ट्राई अपना हम अपना बेस्ट करें, फिर अगर ऐसी कोई चीज तो हमारे हाथ में नहीं तो मैं तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। ये चीज थी जो मेरी साइड से थी, अगर आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप भी पूछ सकते हो, और अगर जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वी कैन लाइक अनम्यूट, तो नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, आप चैट में भेज दीजिए मैं पढ़ लूंगा, आपके यहाँ क्वेश्चन तक पढ़ लूंगा, बाकी किसी को भी कुछ पूछना हो करेक्ट। तो इसमें ये चीज है, बाकी अगर किसी को जैसे इसमें कोई चीज फॉलो करने में मदद चाहिए या हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो वो नहीं मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप सभी मेरे को जानते हो ऑलमोस्ट, इंडिया में दवाई नहीं है ना, बाकी आप अगर बताइए कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, वी आर डन, करेक्ट ना। इस तरीके से चीजें बाकी गई, हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ सेशंस करते रहेंगे आगे भी, तो दैट हमें पता लगता है कि और हमारे कितना प्रोग्रेस हुआ और ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, जब भी आपने कोई एक पॉजिटिव सेशन देखते हो उससे क्या होता है हमारा अगले 4-5-10 दिन चला अच्छा ठीक चला जाता है, सही बात है कि नहीं। और ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर ऐसे बीच में मिलते रहेंगे आधा 15-20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए, तो लाइक हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है हमारा प्रोडक्टिविटी बना रहे या हमारा फॉलो करने का जो वो है रिचुअल वो बढ़ा बढ़ा रहे, प्रोडक्टिविटी आती है, करेक्ट।
करेक्ट ना। बाकी तो ये बाकी अच्छे कॉलेज में जाने का फायदा ये भी होता है एक यार व्हेन यू गो थ्रू अवर स्ट्रक्चर्स तो आपका विश्वास और बढ़ेगा इन विद द ए तो क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सक्सेस अचीव करी होती है तो यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग यार मैं कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं यार मैं इतना टैलेंटेड था नहीं जितना मुझे मिल गया। तो आप हर एक बंदा जो भी होता है ना कि आप स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत होता है उन सब के साथ एक चीज कॉमन होती है वो सब यही बोलेंगे आप यार मैं इतना टैलेंटेड था नहीं जितना मुझे मिल गया एक्चुअली में वो वही चीज है। तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है क्योंकि ना ये भगवान की कृपा जिसको बोलते हैं तो वो भी हमारे साथ हो जाती है। ठीक है बाकी मैं करते हैं धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए ये सेशन को मिलते हैं हम लोग अगले सेशन का ठीक है ना। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ठीक है ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर आप किसी को तो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप वगैरह पे हम लोग के तो ग्रुप से ही है सबके। ओके तो एंड करते हैं आज के सेशन को 14 लोग आए बढ़िया चलो ओके थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर।